नमस्ते, मैं डॉक्टर रश्मि सतपुते, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल बानेर से। क्या आप जानते हैं कि सुसाइड युवाओं में काफ़ी बढ़ रहा है? तो चलिए जानते हैं इसकी क्या वजह है और इस समस्या को कैसे ठीक करें। आत्महत्या में इंसान अपने आप को चोट पहुंचाता है, लेकिन उसका उद्देश्य खुद की जान खत्म करना होता है। सबसे पहले डिप्रेशन, जिसमें पेशेंट को उदास और निराशा महसूस होती है। दूसरा कारण है एडिक्शंस, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन करने से ये ख्याल आ सकते हैं। तीसरा कारण है एंजाइटी, जब एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है और पेशेंट को घबराहट बेचैनी होती है तो उसमें आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। चौथा है फैमिली हिस्ट्री, अगर परिवार में किसी ने सुसाइड किया है तो व्यक्ति में सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, माने अगर परिवार में किसी को मानसिक बीमारी का हिस्ट्री है तो चांसेस है कि व्यक्ति में भी सुसाइड करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि खुद को ख़त्म करने के जो ख्याल आते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं। ब्रेन में कुछ न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस के बाद ही ये ख्याल आते हैं। आत्महत्या के लक्षण कुछ ऐसे होते हैं, व्यक्ति को उदास लगता है, निराशा महसूस होती है, अपने में ही रहते हैं, किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करना या फिर एक्सट्रीम मूड स्विंग्स फील करना, किसी भी चीज़ में रुचि ना लगना, होपलेस फील होना, हेल्पलेस फील होना, कोई भी चीज़ को लेके बहुत गिल्ट फील करना, बार बार रोना आना, नींद कम लगना, खाना कम खाना। और इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस है जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जिस व्यक्ति को सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो अपने आप को फ्रेंड्स और फैमिली से दूर कर देते हैं, वो व्यक्ति दवाइयों का स्टॉक बना के रखते हैं या पॉइजन खरीद के रखते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं, वो व्यक्ति अपने विल, जिम्मेदारी और पोजिशन के बारे में सोचने लगते हैं और किसी और को हैंड ओवर करते हैं, उस व्यक्ति के बातों में जिक्र होता है कि जीने की कोई वजह या उम्मीद नहीं है। ये वार्निंग साइंस हमें दिखाई देते हैं। इन कंडीशंस में रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो सकती है। सबसे पहले जिसे मेंटल इलनेस हो, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, एडिक्शन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, या कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हो जिसमें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, एग्रेशन होता है, पुअर रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन भी एक रिस्क फैक्टर है सुसाइड के लिए। जिन लोगों में सुसाइड करने के लिए चीज़ें एक्सेसिबल होती हैं, जैसे फायर आर्म्स या ड्रग्स, उनमें सुसाइड ज़्यादा पाया जाता है। जो लोग लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो उनमें सुसाइड के रिस्क ज़्यादा है। ज़िंदगी में जब बड़े बदलाव आते हैं, जैसे कि अपने को खो देना या डिवोर्स, ऐसे में सुसाइड के रिस्क बढ़ जाते हैं। और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि चाइल्डहुड अब्यूज़, निग्लेक्ट या ट्रॉमा। सुसाइड अटेम्प्ट, माने अगर किसी व्यक्ति ने सुसाइड अटेम्प्ट पहले किया है तो सुसाइड करने का रिस्क और बढ़ जाता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, माने अगर परिवार में किसी ने सुसाइड किया है तो उस व्यक्ति में सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। सुसाइड का निदान कोई ब्लड टेस्ट या ब्रेन स्कैन से नहीं होता है। सुसाइड का निदान हमें डिटेल हिस्ट्री, जो हमें पेशेंट के रिलेटिव से और पेशेंट से मिलती है, उससे निदान किया जाता है। सुसाइड का इलाज है सबसे पहले दवाइयाँ, दवाइयों से नेगेटिव थॉट्स और सुसाइडल थॉट्स कम होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिससे सुसाइडल थॉट्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं। CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसमें उस व्यक्ति के स्वभाव और रिएक्शंस पे काम किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। अगर आपके नज़दीकी व्यक्ति में सुसाइड के लक्षण दिख रहे तो सबसे पहले उन्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, उनके परिवार, नज़दीकी व्यक्ति को इन्फॉर्म करना है, उनको जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प, माने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाना है। इसके अलावा उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ या वस्तु नहीं होनी चाहिए जिससे वो खुद को चोट पहुँचा सकते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की मेडिकेशंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उनको कोई भी दवाई चल रही है तो उन्हें आपने दवाई खिलानी है और पर्ची अपने पास रखनी है, और उनको कंप्लीट सुपरविजन में रखना है 24/7। सुसाइड के ट्रीटमेंट के बाद ये समस्या वापस आ सकती है, डिपेंड करता है, बहुत बार पेशेंट्स ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं तो ये समस्या वापस आ सकती है, या फिर अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव
आते हैं तो ये वापस आ सकती है। केयर गिवर का बहुत महत्व बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुसाइड में लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है तो दवाइयों की जिम्मेदारी केयर गिवर लेते हैं। उसके अलावा वो व्यक्ति से बात करते हैं और उनके विचार जानते हैं। सुसाइड एक इमरजेंसी है। सुसाइड एंड क्राइसिस लाइफलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो नंबर आपको 24/7 उपलब्ध होगा जिसपे आप टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन आपको मदद करती है, आपको सुसाइड करने से रोकती है और आपके विचार या हिस्ट्री कॉन्फिडेंशियल रखती है।